नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 31,661 पदों पर नियुक्ति का मामला है ये, और इस नियुक्ति के मामले में फिर से रोक लग गई है। जी हाँ, इस पे जो जैसा कि अंदेशा था, और मैं आपको दो दिन से लगातार इसको बता रहा हूँ कि इस भर्ती को में 31,661 पदों को भर पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगी, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि इस पे बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो इस पे पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा दी है, गलती सरकार की है, लेकिन भुगत कौन रहा, छात्र भुगत रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। कभी लगता है कि स्कूल में पहुंच जाएंगे, कभी फिर घर में रह जाते हैं, कभी लगता है कि ज्वाइनिंग हो रही है, और कभी काउंसलिंग से वापस आते हैं, तो सब मिला के छात्र परेशान हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं पूरी। ये देखिए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती पर फिर रोक लगा दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार को झटका लगा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पर रोक लगाई है। लेटर जारी कर सरकार को आयोग न्यायालय में तलब किया गया है। भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार रहेगी, और इसके साथ साथ देखिए ये टीवी में भी न्यूज में आ रहा है, भर्ती पर आयोग की रोक रहेगी बरकरार। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है, सरकार को आयोग न्यायालय में तलब किया गया है। तो अभी इस पर कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन जो निकली थी कि 31,661 लोगों को जॉब मिल जाएगी, और उसकी सुबह प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लोग समझ भी लिए थे जाके SERT में जाके कि किस तरह से ये नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब शाम को ये न्यूज आ रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।